और यहाँ पर कुछ मिला भाई, यहाँ पर मेरे को मिल चुका है डार्क डिस्ट्रॉयर बंडल। और गाइस यार यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, आई होप सभी बड़े होंगे। वेल आज मैं करने वाला हूँ दिवाली रिंग स्पिन को दोबारा से, और देखते हैं भाई क्या इस बार अपना जो लक है वो मेरा फिर से साथ देगा। यानी आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी दिवाली रिंग क्रेट को ओपन नहीं करता हूँ, ना ही स्पिन करता हूँ, जस्ट मैं रैंडम यहाँ पर क्रेट्स ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बची हुई हैं। ये ट्रिक आप भी जरूर से फॉलो कर लेना क्योंकि काफी ज्यादा कमाल की ट्रिक है, हर बार आपको कुछ ना कुछ इसमें मिलता रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ वेपन रॉयल वाली क्रेट्स को ओपन। मेरे पास 10 और 4 और हैं एक्स्ट्रा तो बची हुई है, मैं यहाँ पर पूरी क्रेट्स को ओपन कर लूंगा ताकि मेरे जो है लक रेशियो बढ़ जाए और हमें कुछ अच्छा मिल पाए। तो चलो गाइस देख लेते हैं। यहाँ पर तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, ये सारी गन्स की स्किन है जो कि टाइम लिमिटेड है, मुझे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है गन्स की स्किन के साथ। तो अब चलते हैं अपने एक और क्रेट की तरफ, ईवो वॉल्ट की स्किन। मैं इसको एक बार कर चुका था, आप लोगों ने देखी होगी पिछली वाली वीडियो, आई बटन के ऊपर है, देख लेना जाकर। यहाँ पर अभी जो है पहली बार अगर आप करेंगे तो 100 डायमंड्स के अंदर 11 बार स्किन आप कर पाओगे। तो भाई मैं वही वाला यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि जो है लक रेशियो फ्री फायर के अंदर और ज्यादा मेरा बढ़ जाए, और जितना ज्यादा आपका लक रेशियो होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। तो देख लेते हैं भाई क्या हमें यहाँ पर कोई भी ईवो गन मिल पाएगी या फिर नहीं, और शायद नहीं यार। तो छोड़ो यार, ईवो वर्ल्ड के अंदर तो हमें कुछ भी नहीं मिला, बट हाँ इससे मेरे लक रेशियो को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 7 जो है कूपन है और मेरे यहाँ पर 60 डायमंड यूज होंगे। तो अभी टोटल डायमंड हमारे 160 यूज हुए हैं, और देख लेते हैं क्या यहाँ पर हमें महाराजा या फिर मैग्मा बंडल मिलता है या फिर नहीं। और गाइस यार अगर मुझे मैग्मा बंडल मिल गया काफी ज्यादा मजे आ जाएंगे क्योंकि उसके बाद मैं महाराजा बंडल टोकन की मदद से लेने ही वाला हूँ। तो देख लेते हैं। और यहाँ पर कुछ मिला भाई, यहाँ पर मेरे को मिल चुका है डार्क डिस्ट्रॉयर बंडल। और गाइस यार देखा आप लोगों ने, सिर्फ 160 डायमंड यूज कर मुझे यहाँ पर मिल गया है डार्क डिस्ट्रॉयर बंडल। और जिस दिन भी मैं करने का सोचता हूँ कि मैं चलो आज स्पिन करता हूँ, उस दिन मेरा लक मेरा साथ दे जाता है। और आप लोग मेरे टोकन पर ध्यान रखिएगा, 85 टोकन हो चुके हैं अभी। यहाँ पर हमारा पहली बार तो नहीं मिल पाया, बट शायद हम जब और स्पिन करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास 441 डायमंड्स और बचे हुए हैं, तो मैं स्पिन जरूर करूंगा। एंड जब तक मैं इन दोनों बंडल में से किसी एक बंडल को नहीं निकाल लेता, ये स्पिन नहीं रुकने वाला है। फिर चाहे मैं टोकन की मदद से परचेज करूं, लेकिन उसके लिए मुझे 200 टोकन चाहिए ही है। चलो दोबारा से अपनी एक बार और ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पर 4 मेरे पास जो क्रेट बची हुई है वेपन रॉयल वाली, मैं दोबारा से उनको ओपन कर लेता हूं, और फिर हम लोग दोबारा से जाएंगे अपने दिवाली रिंग की तरफ और वहां पर स्पिन करके देखेंगे इस बार हमें क्या मिलेगा। और भाई यार इस बार शायद मेरे को लग रहा है अगर पहले ही 7 डायमंड के अंदर मुझे एक डार्क डिस्ट्रॉयर सूट मिल चुका है या फिर बंडल मिल चुका है, तो शायद अब हमें उन दोनों बंडल में से कोई एक बंडल मिल सकता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस वाले बंडल के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से एक लाइक कर दो। तो चलो गाइस यहां पर 200 का एक और स्किन मैं कर देता हूं, क्या इस बार हमारा लक हमारा साथ देगा। एंड आप लोग मेरे टोकन्स को देखिएगा, 102 हो चुके हैं क्योंकि इस बंडल के अंदर मेरे को यहाँ पर टोकन्स भी मिल रहे हैं, और इससे जो कि मेरी हेल्प करेंगे बाद में 200 से कोई भी बंडल परचेस कर पाऊंगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कुछ मिला। यार ये क्या भाई, ये एक ही सूट दो बार कैसे दे दिया गरीना ने। भाई गरीना वेबकूप कहीं का यार, क्या कर दिया मेरे पूरे डायमंड्स यहाँ पर बेकार करवा रही है। लेकिन भाई इस चीज में मेरा फायदा कुछ तो हुआ, मेरे टोकन्स को देख रहे हो गाइस आप, मेरे जो टोकन्स थे वो सीधा 190 के पास आ चुके हैं, मुझे केवल 10 टोकन्स और चाहिए एंड फिर मैं ले लूंगा इनमें से किसी एक बंडल को अगर स्पिन में नहीं निकलता है। तो क्या बोलती है पब्लिक, एक बार और 200 वाला क्रेट ओपन कर देते हैं और देख लेते हैं भाई क्या हमें इस बार थर्ड टाइम में इन दोनों में से कोई एक बंडल मिल सकता है। यानी तीसरा वाला बंडल मुझे मिल चुका है, ज्यादा खास तो नहीं है बट फिर भी मिल गया है भाई, अच्छी बात है। तो चलो यार यहाँ पर अपनी आखिरी स्पिन कर लेते हैं, एंड इस आखिरी स्पिन के अंदर मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मिल जाएगी मैग्मा या फिर मैंने महाराजा बंडल। क्या आप लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहना, लाइक करते रहना। कुछ मिला हट यार। तो गाइस आखिरी वाली क्रेट ओपनिंग के अंदर हमें कुछ नहीं मिला है, बट मेरे यहाँ पर 213 टोकन्स हो चुके हैं। तो अब इन दोनों सूट में से या दोनों बंडल्स में से मुझे कौन सा बंडल लेना चाहिए, आप अपना फेवरेट कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, क्योंकि मैं वही कंफ्यूज हूँ। मुझे दोनों ही बंडल अच्छे लग रहे हैं बट टोकन हमारे पास 213 ही है। तो गाइस इनमें से मैं कोई एक ही ले पाऊंगा, या तो मैनिक महाराजा बंडल या फिर मैं ले पाऊंगा मैग्मा बॉर्न बंडल। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा फेवरेट है और मुझे कौन सा लेना चाहिए। गाइस जो भी आप बता दोगे, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट आई होंगी इन दोनों बंडल में से, मैं उसी वाले बंडल को यहां पर रिडीम कर लूंगा। तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि भाई तुम्हारा नवजात भाई कंफ्यूज हो चुका है दोनों बंडल में से कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो आई होप आप लोग को ट्रिक समझ में आ गई होगी, आप भी इस ट्रिक को अप्लाई करके अपने लिए बंडल्स या फिर ईवो वॉल्ट में कर सकते हैं ये वाली ट्रिक का यूज, और आपको शायद आपका लक साथ दे जाए तो आपको भी कुछ अच्छी गन्स की स्किन और अच्छे बंडल्स मिल सकते हैं। और शेयर कर देना अपने सभी फ्री फायर लवर्स के साथ, और उन्हें भी ये वाली ट्रिक जरूर बता देना, क्या पता शायद मेरी ये ट्रिक उनकी भी कुछ हेल्प कर दे जैसे कि मेरी ट्रिक मेरी हेल्प कर देती है हर बार। तो वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। एंड अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक लास्ट वाली जो कोबरा स्पिन थी वो नहीं जाके देखी है, तो आई बटन के ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, वो भी जाके देख लेना, वहां पर भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो भी ट्रिक सिमिलर ऐसी है, आप लोग जरूर से एक बार देख लेना, आप लोग को ज्यादा मजा आएगा देखने में। तो चलो गाइस लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड स्टे हेल्दी, और देखते रहो नवजात शिशु गेमिंग। बाय बाय।